जो ये 40 साल के बाद आज हमारा नगर कीर्तन जो निकला है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि गुरु साहब की महाराज की सवारी आप यहाँ हम लेके आते हैं और ये वहां से आज लोगों का जो आप हजूम देख रहे हो, क्योंकि इन्होंने हमें इसके लिए छोटे बच्चों ने प्रेरित किया है कि आप एक नगर कीर्तन निकालिए, क्योंकि हमारा एक रिलीज का एक हिस्सा है कि नगर कीर्तन जो हम दे रहे हैं आज जो कर रहे हैं वहां से लेकर कानसपुरा से शुरू हुआ और सुबह 9 बजे और इस वक्त आप देख सकते हो कि समय कितना है, समय कितना हो चुका है और इस वजह से हम वहां पे अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी 1 घंटा हमें लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। पर हम इधर शुक्र करते हैं, शुक्र गुजार हैं सबके, यहाँ पे दूसरी आवाम का भी जो रास्तों में खड़े होके जिन्होंने पानी का पानी सर्व किया, जिन्होंने फ्रूट्स बांटा, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और सबो सारे लोकाई का धन्यवाद भी करते हैं, अपनी संगत का भी। छोटे बच्चों आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे पांव नंगे इस नगर कीर्तन में शामिल हैं और जिनको इतना उत्साह है कि बहुत सालों के बाद जो आज हमारा ये नगर कीर्तन निकला है, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमें इसी तरीके से हिम्मत देते रहे और हम आगे भी ये ऐसे प्रोग्राम करते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन का आप धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा ट्रैफिक रोक के रखा था, सबका तावन था, हमारी पुलिस का, आर्मी का, यहाँ की डीसी साहब का, सारों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें भरपूर तामन दिया जिस वजह से हमारा ये सफल हो सका। और अगर वो हमें पहले हमें इजाजत नहीं देते तो हम ये नहीं निकाल सकते थे, तो हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे सारे जो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से निभाया और हमारा साथ दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा हमारा यही पैगाम है क्योंकि हम मानस की जात सबे एक हो पहचान दो, क्योंकि हम उस मानस की जात के लिए गुरु साहब ने हमें जो दर्श दिया है, हम एकता भाईचारे में यहाँ बिलीव करते हैं और गुरु साहब ने भी हमें कहा है कि जहाँ आप रहोगे वहाँ प्यार से रहना है और इसी तरीके से हमारा ये पैगाम गुरु साहब का जो पैगाम है हम लोगों तक देना चाहते हैं कि हमारी कौम जो है वो प्यार के साथ रहना चाहती है। जगह जगह पर मुस्लिम हम और ये हमारा भाईचारा है क्योंकि आप देखते हो सदियों से भाईचारा है हमारा यहाँ का, और वो जब उनका कोई प्रोग्राम होता है हमारे सरदार भाई भी ऐसा ही उनके साथ पेश ले जाते हैं, आज हमें भी उनको मौका दिया है और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे श्रीनगर से, बड़गाम से, बारामूला से, कुपवाड़ा से, बांडीपुरा से, उड़ी तक ये सारा डिस्ट्रिक्ट पूरा आज आप देख रहे हो बहुत बड़ा हजूम है और आप आपकी नजर पूरे हजूम पे पड़ रही है और ये सारों की तावन से, इस संगत की तावन से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तावन से ये जो हम आज जो नगर कीर्तन हमने निकाला है ये उसी वजह से हम आज इसमें कामयाब होंगे। हमें कुछ लगभग लगभग 30-40 साल पहले एक नगर कीर्तन 1985 में हमने निकाला था और आज हमें ये फिर मौका मिला क्योंकि ऐसे हालात बने और जिस वजह से हम ये बिल्कुल आज ना आप देख सकते हो कि 40 साल के बाद जो बच्चे आज हम भी छोटे छोटे थे उस वक्त जब हमने ऐसा दृश्य देखा था, आज हम उस लेवल पे हैं तो आज हमारा मन भी खुश हो गया कि इस तरीके का यह प्रोग्राम रहेगी। हम आप जो अगले साल भी आप देखोगे आप लगातार ये नगर कीर्तन निकलते रहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम चंदनजीत सिंह है और ये यात्रा जो है ये हमारे 6वें पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की याद में निकाली गई है, आज उनका जन्मदिन है तो ये नगर कीर्तन उन्हीं के इसमें निकाला गया है जन्मदिन के इसमें। तो ये हम इसको कानसपुरा से लेके यहाँ तक लाए हैं। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन को तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जी जी जगह जी बिल्कुल बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे सर? हम अपने भाईचारे का जो हमारा मुस्लिम भाईचारा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारा साथ दिया। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो जैसे डीसी साहब हो गए, हमारे यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे भी जो मुस्लिम भाईचारा है उनको हम अपनी तरफ से पूरे सिख भाईचारे की तरफ से ईद की मुबारकबाद भी देते हैं।